Sit, sit. Allez, sit. जॉनी के बारे में सोच रही हूं. आपको कैसे पता? कम ऑन बिंदु, आई एम योर फ्रेंड. आई स्टिल रिमेंबर. मेरी वाइफ मरते हुए मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे वादा करवाया. उसके मरने के बाद मैं उसे भूल जाऊं, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी. तुम भी अगर जॉनी से प्यार करती हो तो उसे भूल जाओ. हंसाने के लिए सब किया मैंने. ओह, थैंक यू सर. मुझे लगा आपको कुछ हुआ. नहीं नहीं, वो डर गई क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. अरे देखो देखो, दीप सर, दीप सर, दीप सर, अरे सर आइए सर. लिसन, लाइक नीड टू गो टू द ऑफिस. हम बिस्किट सर प्लीज बिस्किट लीजिए सर. उन्होंने कहा ना इनको ऑफिस जाना है. गाइस, गो टू योर प्लेसेस. बाय सर. या बाय. सॉरी अबाउट दैट. दैट्स ओके. इन बेवकूफों को अभी आना था सर. या आपने जो कहा याद रखूंगी. जानी को भूलने की कोशिश करूंगी. दो घंटे से इतनी वेट करके मेरे सिर में दर्द शुरू हो गया, लेकिन ये लीकेज संपत्ति नहीं है. एपी के पास आने से बिल्कुल ऐसा ही होता है डॉक्टर साहब. कंट्रोल योरसेल्फ. आई कंट्रोल योरसेल्फ. सिर में दर्द शुरू हो गया. हेलो, डॉक्टर सूरज प्रकाश है क्या? मैं डॉक्टर ब्रह्मानंद बोल रहा हूँ. हाँ वही जी. खूब उल्टियां, लूज मोशन, सिर में दर्द हो रहा है जी. मैं कौन सी टैबलेट लूं? एस्प्रो टैबलेट लूं? नहीं. एनासिन लूं? नहीं. तो फिर कौन सी लूं? सारिडोन ले लेता हूं. ओके 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 ओके. सुनिए डॉक्टर ब्रह्मा, आप खुद डॉक्टर होते हुए भी दूसरे डॉक्टर से फोन करके क्यों पूछ रहे हो? देखो, अपनी बीमारी का खुद इलाज करना हमारी परंपरा में ही नहीं है. आई सी. वन सेकंड. हेलो, इंजीनियर अली स्पीकिंग. क्या मेरे घर का प्लान रेडी हो गया क्या? ओह वेरी गुड, वेरी गुड. मैं कल आके ले लूंगा जी. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ये क्या इंजीनियर अली साहब, अपने घर का प्लान किसी दूसरे इंजीनियर से क्यों बनवा रहे हैं? खुद अपने घर का प्लान बनाना हमारी परंपरा नहीं है डॉक्टर ब्रह्मा. सर, डॉक्टर ब्रह्मानंद और इंजीनियर अली साहब आपके लिए चार घंटों से वेट कर रहे हैं सर. करने दो यार, ये उनकी आदत ही तो है. नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सबको नमस्ते. कैसे आना हुआ? तिरुपति क्यों जाते हैं? दर्शन करने या मुंडन करवाने? भगवान से मन्नत मांगने. भैया,
उस रोज आपने क्वेश्चन पेपर लीकेज करवाया और मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया और बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल के खूब पैसे कमा रहा हूँ। रोज तुम कितने को ऊपर पहुँचाते हो? क्या दो, ज्यादा से ज्यादा 3-4 बार। फैमिली प्लानिंग जैसे तुम जनता प्लानिंग करके देश को सुधार रहे हो। सब आपकी मेहरबानी है। अरे लाओ भाई सर, ये रहा हिस्सा। ये हमारी तरफ से सर। थैंक यू। मकान के बारे में जो कुछ नहीं जानता उसे आपने पेपर लीकेज करके इतना बड़ा इंजीनियर बना दिया। अब मैं बड़े अपार्टमेंट ही बना रहा हूँ। यहाँ अपार्टमेंट्स बना रहे हो और वहाँ टूटने भी लगे हैं। गुजरात में जो भूकंप आया था ना उसके थोड़े बहुत झटके भी आए थे। गुजरात में भूकंप आने से यहाँ अपार्टमेंट्स टूटेंगे क्या? अजी जरा तुम रेत में कभी कभी सीमेंट भी मिला दिया करो ना भैया। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। अरे भैया तुम लोग पढ़ाई में वीक थे फिर भी मैंने पेपर्स लीक करवा के तुम लोगों को डॉक्टर और इंजीनियर बना दिया। सर अपनी इज्जत तो रखा करो भाई। तभी तो सर आपका सम्मान करने आए हैं हम लोग। चलो लीकेज लीडर संपत राय जिंदाबाद। लीकेज लीडर संपत राय जिंदाबाद। बड़े साले को गुजरात ने एक फ्लाईओवर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है ना, वो इस इंजीनियर से बनवाए तो कैसा रहेगा? सीमेंट ही बना दूंगा तब जरूर मुझे हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या? अरे दोस्तों मैं संभाल लूंगा। अरे लगता है। Thank you very much. I glad to introduce my robo, Mr. Chitty. Good morning, everybody. My name is Chitty. Speed 1 zettabyte, memory 1 tetrabyte. मेरा बनाया रोबो सिर्फ बोलता ही नहीं है, फाइट भी कर सकता है. It can fight also. Start. Yes. Yes. अच्छा डांस भी करता है। मंगल्यम तंतना मध्याले चदवना उगले मारना पुरी पाले पंचना की मात्रम चालना इनका कुछ पंचना की मात्रम चालना इनका कुछ पंचना मेरा तैयार किया हुआ रोबो 94 भाषाओं में बात कर सकता है। सॉरी बॉस, 95 भाषा में। लेकिन मैंने तो प्रोग्राम में 94 भाषाएं फीड की थी ना। मेरी अपनी मदर टंग भी है। सॉरी, आप सब लोगों को अब अपनी मदर टंग की झलक दिखाता हूँ। दिकड़म तकड़म तकड़म दबड़ बसात्र बड़े को पड़गले बड़ा जो बंद कर इसका बड़े के ऊपर के बड़े 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 इन बड़े छोटे को बड़े के ऊपर सा पड़ पड़। ओके ओके शांत रहिए। अब आप इससे जो भी सवाल करना चाहें कीजिए, रोबो उसका जवाब देगा। अच्छा आपकी उम्र क्या है? 1 दिन की है। औरत की उम्र ये मत पूछना। और आदमी की उम्र पूछना बेकार है। तुम्हें कौन सा हीरो अच्छा लगता है? बाल कृष्ण। वो किस लिए? बचपन में बाल कृष्ण, बड़ा हुआ तो भी बाल कृष्ण, अब भी बाल कृष्ण। आपकी पसंदीदा हीरोइन कौन है? हेमा। हेमा? हेमा मतलब हेमा मालिनी? नहीं, हेमा मुझे तैयार करने वाला ये फेलो है। चिट्ठी। अच्छा है, चुम लो चुम लो। चुमते ही रहोगे तुम? अब तुम चुमते ही रहना इसे। चुमो चुमो जल्दी आओ। बेटे तेरी सोने की मुर्गी ने जहाँ करना था वहीं कर डाला, अब धोने की जरूरत नहीं, ऐसे ही दे दूंगा। सर। व्हाट इज दिस? मुर्गी का सिंगल लेग ही है क्यों? वेयर इज द सेकंड लेग? दूसरा लेग किधर है? वो वेयर इज द सेकंड लेग? दूसरा लेग कहाँ है? ए वॉचमैन कम हियर कम हियर, तुमको पैर कितने हैं? दो हैं। उठा के दिखाओ। ये देखो, एक ही रहा एक तुम ही। भी दिखाने की जरूरत नहीं है जी, मेरे भी दो पैर हैं। मेरे भी दो हैं। अरे सब के जब दो पैर है तो इस मुर्गी का सिंगल लेग क्यों है? क्योंकि वो मुर्गी लंगड़ी होगी, उसकी एक ही टांग होगी। वो लंगड़ी का मतलब? लंगड़ी का मतलब ये होता है कि
सिंगल लेग में चलने वाले को मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। जब तक मैं लंच खत्म करता हूँ तुम इसी तरह से राउंड मारते रहो। शट अप एंड डू इट नाउ। गुड सर 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 सरकार 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 कोरा पुलिस को देखो। ये सब छोड़िए, महात्मा गांधी जी आ रहे हैं। अरे नु, इतनी उदास क्यों हो? मैं तुमसे खफा हूँ। किस लिए? मुझे हैदराबाद लेके आने के लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया तुमने, श्रुति कह रही थी। तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट मिस हुआ तो कोई बात नहीं, ऐसे कॉम्पिटिशन्स बार बार नहीं होते। तुम्हारे गायन को फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए। ओके, अब और क्या सोच रही हो? फिजूल की बात मत सोचा करो। तुम बड़ी सिंगर बनने के बाद मुझे कॉन्ट्रैक्ट का पैसा दे देना। अब जा, जा। फैमिली प्रॉब्लम है शायद। थैंक्स मैडम, का बैग उस कमरे में दे देना। साहब मैं जरा ओपनली बात करता हूँ, आप दोनों झगड़ा करने की वजह से अलग अलग रूम लिए हैं। नहीं, हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। आई तुम्हें क्या हुआ है? वो लड़की नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कॉम्पिटिशन के लिए आई है, बहुत अच्छी सिंगर है। बैग ले जाके दे दो। सर आपकी तरफ से मैं जाके उन्हें मना लूं? ज्यादा बात करेगा तो एक दूंगा। नहीं साहब, 100 दे दीजिए। 100 टिप सर। कमाल के आदमी हो यार। चलो ये लो। थैंक यू सर। ये भी लो, हमेशा मुझे ही बुलाना सर। हाय फ्रेंड। मुझे बुलाया? यस। मैं कैसे फ्रेंड हो सकता हूँ? इस दुनिया में सब लोग मेरे फ्रेंड हैं, पीएम टू पीएम, यानी प्यून मैनेजर से लेकर प्रधानमंत्री तक सब मेरे फ्रेंड्स हैं। आप बड़े वो हैं जी। पहले वो निकाल। क्या? ये जी साहब वगैरह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं खुलकर अबे ओए, गधे, साले, उल्लू के पट्टे वगैरह वगैरह बोलता हूँ। तुम भी मुझे प्यार से अबे ओए बोलो। मुझे नहीं होगा सर। नहीं बोलोगे तो मैं चलता हूँ। उल्लू के पट्टे ये चलेगा मुझे। अबे गधे, अब तू जाके 4 स्कॉच व्हिस्की के लार्ज पैक लेके जल्दी आ जा बेवकूफ। ठीक है रे गधे। जी हां। 1 2 3 4 5 6 7 पैक पी के इसको आज मुर्गा मिला आ गया। दे दे नला। अबे तुझे और भी कुछ चाहिए? अरे तेरा रॉ पी के तो मजा आ गया रे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए साले, तेरे होटल में दारू पी के मजा आ गया स्टूपिड। थैंक्स मैन। अबे गधे, जाके हॉट वाटर लेके आ बेवकूफ। अभी लाता हूँ रे स्टूपिड। दैट्स राइट। चला गया। ये क्या सर, बिल मैं देता हूँ कह करके परेशान किया जा रहा है। आप इतनी थल्ली देते हैं? उसे पगार से ज्यादा टिप मिलता है, इसलिए इतनी अकड़ है। अच्छा, इसलिए बिल मैं देता हूँ बोल के जान लिया जा रहा है। कंजूस है, किसी पर ना खर्च करने वाला। वो आप पर इतना खर्च करता है तो आपकी फ्रेंडशिप कितनी स्ट्रांग है पता चल रहा है। मामूली स्ट्रांग नहीं है, अंबुजा सीमेंट। सुनिए, उसे यहाँ नौकरी मिलने से पहले मैंने उस पर कितना खर्च किया जानते हैं? ठीक है, बिल लीजिए। अरे बिल में क्या रखा है? बिल तो वो भर ही रहा है ना, अपना टिप भी उस बिल में डाल दो। साहब ये कहाँ है? वो चला गया। मगर बिल तुम पे करोगे ना, तुम दोनों की क्लोज फ्रेंडशिप है ना। वो मेरा कैसा फ्रेंड सर, अभी अभी तो परिचय हुआ। अरे बस करना, अभी परिचय हुआ तो अबे बेवकूफ बोल के थोड़ी बात करेंगे। उसने जोर जबरदस्ती करके मुझसे बुलवाया सर। सुनो, बिल भरने के डर से ये मत कहना कि वो दोस्त नहीं है। उसका बिल, मेरा टिप, सभी तुम्हारी सैलरी से काट लूंगा। ये लो तुम्हारी सैलरी, 6,000 रख लो। अरे ये बेवकूफ कहाँ गायब हो गया? अभी ड्यूटी पर नहीं आया सर। कम वक्त कहीं का, मुझे यहाँ बुलाकर खुद ड्यूटी से गायब है ना लायक। क्यों, कोई अर्जेंट काम है? आप टेंशन में लग रहे हैं। टेंशन है सर है? मुझे अर्जेंटली गोल्ड मंडी जाना था, उसने मुझे 6,000 रूपए देने का वादा किया था, लेकिन कहाँ है? आप टेंशन मत लीजिए, 6,000 रूपए मैं देता हूँ, बाद में उसकी सैलरी से काट लूंगा। कोई बात नहीं, पहले अपना काम चला लीजिए जी। आप गोल्ड मंडी जाके अपना काम पूरा कर लीजिए। वो सब निकालो। क्या ये जी साहब वगैरह मुझे पसंद नहीं, आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जरा प्यार से एक बार अबे ओए कहो। अच्छा नहीं लगेगा सर। नहीं अच्छा नहीं लगेगा। तो अपने पैसे वापस ले लो। अरे रख लेना गधे। यही अब जाके मुझे अच्छा लगा गधे। उल्लू का पट्टा ये लो, ये स्लिप उसको दे देना। भूल नहीं जाना बेवकूफ। नहीं भूलूंगा। याद दे देना गधे। याद रखूंगा रे बेवकूफ। उल्लू का पट्टा बेवकूफ। सुंदर सुंदर तेरा दोस्त आया था। अरे बाप रे, वो फिर से आया था। कुछ पिया क्या? कुछ नहीं पिया। कुछ खाया? नहीं खाया। पार्सल तो नहीं लेके गया? पार्सल भी नहीं ले गया, बिल भी नहीं बनाया। बच गया। वो आया ये सुनते ही मैं टेंशन में आ जाता हूँ। सर मेरी सैलरी में से उसका उस दिन का बिल काट के बाकी के पैसे मुझे दे दीजिए। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नो एंट्री पिक्चर देखने जा रहा हूँ। ये क्या है सर? पढ़ो।
उल्लू के पट्टे। मैं तेरे मैनेजर से 6000 रुपए लेके जा रहा हूँ, तू उन्हें लौटा देना। अरे बाप रे, आपने उसे 6000 रुपए दे दिए। 6000 काटने के बाद ये लो तुम्हारा पगार। सर, मैंने जिंदगी में इतनी कम तनख्वाह कभी नहीं ली। वो बुढ़ा मेरा फ्रेंड कैसे हुआ? अब वो बेवकूफ मेरा भी दोस्त बन गया। मेरा नाम टिप सुंदर है सर, मैं बहुत ओपनली बात करता हूँ। मेरा नाम शमशेर सिंह है, मुंबई का बहुत बड़ा गुंडा हूँ, मैं ओपनली मर्डर करता हूँ। क्या चाहिए सर? ब्लड। कौन सा ग्रुप? ब्लड यानी रेड लेबल। ओहो, अभी लाया। सुना जी, मंचिंग के लिए क्या लाओगे? आपको क्या पसंद है सर? तुमने कहा था ना तुम्हारा ओपन आर्ट है, उसका खीमा बना के लिए आना। बॉल को आया मैं तो रखी सीने में, बॉल छुपा करके तुमसे। बॉल होना क्या, बॉल दे दूं क्या, ले लो मेरा दिल ये बाबू, इनकार नहीं ना। इनकार नहीं, इकरार। तेरे इकरार से भी क्या होगा? घोरी गोरखपुर से लौटा हो, सुन तो लो ना, घोरी गोरखपुर से लौटा हो।